यूं तो आपको एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ की बात ही निराली है, क्योंकि यहाँ पर जिस बर्तन में लोगों के लिए लंगर बनता है वो आज से नहीं बल्कि 450 सालों से चला आ रहा है, जिसे अकबर ने शुरू किया था। और अब तक लाखों की संख्या में लोग इस विशालकाय देग में बनने वाले लंगर को ग्रहण करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं। पर इतने बड़े बर्तन में इतना सारा खाना आखिर बनता कैसे है और किस तरह ये पूरे रस्मों रिवाज के साथ अभी तक चला आ रहा है, इसे जानने के लिए इस वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, आप लोगों ने राजस्थान के अजमेर में बनी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बारे में तो सुना ही होगा। इस दरगाह के लिए हर धर्म के लोगों में अलग प्यार, विश्वास और आस्था जुड़े हुए है। इसी वजह से हजारों की संख्या में लोग इस दरगाह पे माथा टेकने आते हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ बनने वाले लंगर का स्वाद चखना बिल्कुल नहीं भूलते, जो किसी छोटे मोटे बर्तन में नहीं बनाया जाता बल्कि पूरे 4800 किलोग्राम की कड़ाही में बनाकर तैयार किया जाता है। और ये सब काम होता कैसे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो 4800 किलो की देग होती है उसमें दरगाह में आने वाले लोग अपनी मर्जी मुताबिक पैसे, चावल और बाकी चीजें चढ़ाते हैं, क्योंकि जब कोई इस दरगाह में आता है और अपनी मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाता है। दिन में चढ़ाया हुआ चढ़ावा बाद में खाली किया जाता है ताकि उसी देग में लंगर बनाया जा सके। दोस्तों, देग की सफाई करने के लिए पहले तो उसे पूरी तरह से खाली किया जाता है और फिर उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से धूल मिट्टी सारी चीजें हटा दी जाती हैं। सारे काम पूरी शुद्धता और स्वच्छता के साथ किए जाते हैं। जब ये पूरी साफ सफाई हो जाती है तो इसके अंदर जाफरानी चावल बनता है जो कि यहाँ पर लंगर के तौर पर दिया जाता है, लेकिन उसे बनाने से पहले देग को अच्छी तरह से सजाया जाता है जिसके लिए फूल लगाए जाते हैं और फिर बाहर की तरफ चंदन का लेप लगाया जाता है। ये पूरे देग के चारों तरफ लगाया जाता है और ऐसा करने की परंपरा आज से नहीं बल्कि अकबर के जमाने से चली आ रही है। दोस्तों, अब देग को सजाने के बाद सबसे पहले तो चूल्हा जलाया जाएगा जिसके लिए आग जलाते हैं और फिर एक पूरा का पूरा इंसान देग के नीचे बनी आग की भट्टी को जला देता है। जैसे ही नीचे आग जल जाती है उसके बाद इसमें दोबारा से पानी भरा जाता है जो कि बिल्कुल साफ होता है और फिर हल्दी डाली जाती है। ये पूरा काम बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में किया जाता है क्योंकि जो जाफरानी चावल है वो भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खिलाने के लिए बनाया जाता है। हल्दी डालने के बाद इस कढ़ाई में मैदा डाला जाता है और आप ये भी देख सकते हैं कि कढ़ाई के नीचे जलती हुई आग कितनी ज्यादा तेज है। अब दोस्तों, जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों को आपस में मिक्स करने की, जिसके लिए बहुत बड़ा पलटना इस्तेमाल किया जाता है जिसकी अकेले की लंबाई 20 से 25 फीट होती है। ये सारा काम जब लोग कर रहे होते हैं तभी कुछ लोग चावल और ड्राई फ्रूट्स भी लाना शुरू कर देते हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल ताजी ताजी इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर चीनी डाली जा रही है और चीनी बहुत ही ज्यादा होते हैं क्योंकि 4800 किलो की देग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा मटेरियल डाला जाता होगा। इन सारी चीजों को बनाने के लिए जो पलटा इस्तेमाल किया जाता है वो इतना बड़ा है कि अकेले एक इंसान तो उसे चला ही नहीं सकता, इसलिए दो लोग उसकी लकड़ी को खींचते हैं और दो लोग उसकी रस्सी पकड़ के खींचते हैं। फिर इसके अंदर घी डाला जाता है, एक घी का पूरा टिन जो पीपा होता है वो उड़ेल दिया जाता है और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर चावल डाले जा रहे होते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसे बनाने की जो शुरुआत होती है वो खादिम या खादिम के परिवार वाले ही करते हैं, इसलिए थोड़ा सा चावल उनसे डलवा दिया जाता है और फिर पूरी चावल की बोरी इसमें पलट दी जाती है। और एक दो बोरी से काम नहीं होता है बल्कि कई सारी चावल की बोरियां इस बड़ी सी देग में उड़ेल दी जाते हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि बोरी भरकर चावल डालने के बावजूद ऐसा लगता है मानो एक चम्मच चावल डाला जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई में एक बोरी चावल पता भी नहीं चलता कि गया कहाँ। जब चावल और घी डल जाता है उसके बाद फिर से पलटा चलाया जाता है ताकि सारी चीजें मिक्स हो सकें। पर दोस्तों, जाफरानी चावल बिना कलर के तो फीका ही है, इसलिए अंत में उसके ऊपर कलर डाला जाता है और अब जो रंग आएगा वो एकदम खिलके आएगा, जिसे अच्छी तरह से चार लोग पलटे की मदद से मिलाएंगे और ये सब बहुत ही तेज आंच में बनता है। हमारा तो उन लोगों को सल्यूट है जो इतनी तेज आंच के पास खड़े होकर लोगों के लिए लंगर बनाते हैं। पर दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो आंच है वो ऊपर तो आती है, लेकिन अगर आप इस बड़ी सी कढ़ाई में ऊपर की तरफ हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठंडी होती है, यानी कि नीचे से सब कुछ उबल रहा है लेकिन ऊपर उस टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता। अब आप इसे ख्वाजा गरीब नवाज का करम ही समझ लीजिए कि नीचे से इतनी गर्माहट होने के बावजूद ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि जो लोग इस कढ़ाई में लंगर बना रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, वो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने काम को कर सकें। कुछ समय बाद जब चावल थोड़े से पकने शुरू हो जाते हैं तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, फिर चाहे वो काजू हो या छुहारा हो या फिर बाकी के ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ बहुत ही बड़ी मात्रा में डाला जाता है ताकि लंगर के खाने का स्वाद बिल्कुल निखर के आए। यही वजह है कि लगातार इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स पड़ते रहते हैं। जब ये सारी चीजें पड़ जाती हैं तो करीब 10 से 15 मिनट तक उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसके बाद इसमें एक हल्की सी परत ऊपर की तरफ जमने लगती है। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता,
क्योंकि इसके ऊपर एक कनस्तर और घी डाला जाता है। फिर यह अच्छी तरह से खोलना शुरू करता है और इस दौरान लगातार पलटना चलाते रहना पड़ता है। लोग ये सारी चीजें आपस में मिलाने के लिए चावल को अच्छी तरह पकाकर तैयार करने के लिए इस कढ़ाई के चारों तरफ घूमते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। इस काम में किस लेवल की मेहनत लगती है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। इतने समय तक पकने की वजह से पानी सूख चुका होता है, इसलिए इसे मिलाने में बहुत मेहनत लगती है और ऐसा लगातार 15 से 20 मिनट होता है, जिसके बाद चावल फाइनली तैयार हो जाता है। जब चावल पूरी तरह से पक जाते हैं तो जो बड़ा सा पलटा होता है उसे सावधानी से बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों एक साफ सुथरी सीढ़ी आती है जिसे देग में डाला जाता है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कढ़ाई को कहीं पर लेकर तो जाया नहीं जा सकता, इसलिए एक इंसान उसके अंदर जाता है। हालांकि ये प्रसाद है और खाने वाली चीज है, इसलिए कढ़ाई के अंदर जाने वाला इंसान अपने पैरों के ऊपर मोटा सा कपड़ा लपेटता है जो कि पूरा साफ सुथरा होता है, क्योंकि इन लोगों का रोज का यही काम होता है। और फिर एक एक बाल्टी भर के जफरानी चावल को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बाल्टी भर के बाहर निकालने के बावजूद ऐसा लगता है कि बड़े से बर्तन में से एक चम्मच किसी ने डालकर निकाल लिया हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई बड़ी है लेकिन उसके अंदर चावल कम क्वांटिटी में बनाए, दोस्तों नजारा आप देख सकते हैं कि कैसे करीब 25 से 30 बाल्टी चावल निकाला जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी कढ़ाई के अंदर अच्छा खासा चावल मौजूद है। अब हम तो आपको किसी गिनती में नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितना चावल है, लेकिन आप इसे देखकर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यहाँ चावल कितनी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है और इसे खाने वाले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। और जो बाल्टी बाल्टी चावल निकाला जाता है उसे इन बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर भर दिया जाता है और इन्हीं ड्रम्स की मदद से हर जरूरतमंद के पास ये प्रसाद पहुंचता है। और जितने भी श्रद्धालु ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे आते हैं वो इस प्रसाद को ग्रहण किए बिना नहीं जाते। अजमेर शरीफ की दरगाह में बनने वाला ये लंगर पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ भले ही गोल्डन टेम्पल में खिलाया जाने वाला प्रसाद बहुत बड़ी मात्रा में बनता है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग चीजें खूब बड़े बड़े बर्तनों में बनकर तैयार होती हैं। पर अजमेर शरीफ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक ही बड़ी सी कढ़ाई में यह पूरा प्रसाद बनता है, जिसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है लेकिन बनने का तरीका उससे भी ज्यादा निराला होता है। और इस पूरे प्रसाद को बनने में करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। शाम के वक्त यह लंगर बनना शुरू होता है और सुबह होने तक लगातार बनता रहता है, ताकि अगले दिन जितने भी लोग दरगाह में आए वो इस प्रसाद को खाए बिना ना जाएं। और कई सारे लोग तो दूर दूर से आते हैं और इस प्रसाद को अपने घर ले जाते हैं, और हमने तो ये तक सुना है कि लोग महीनों तक इसे खाते हैं। अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि ये जो बड़ी सी कढ़ाई है ये अकबर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर इस दरगाह को दी थी, क्योंकि उसने ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसे बेटा हो जाए तो वो कढ़ाई दान करेगा। और जब उसके घर जहांगीर पैदा हुआ तो उसने यहाँ आकर ये बड़ी सी कढ़ाई दान की और तब से आज तक इसी में प्रसाद बनाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस दरगाह पर आकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं और अगर आपकी मन्नत पूरी होती है तो आप भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाकर लंगर में बनने वाले प्रसाद में अपनी सहायता कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि अगर मन्नत नहीं भी पूरी होती है तब भी आपको दरगाह में चढ़ावा जरूर चढ़ाना चाहिए, ताकि ये लंगर इसी तरह सालों साल चलता रहे और गरीब और जरूरतमंद लोगों का पेट भरता रहे। अब अगर आपने कभी इस दरगाह पर जाकर प्रसाद खाया है और अपना माथा टेका है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है ये भी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।